ये तिनका तिलका गजल एल्बम है जो बहुत सालों के बाद में मेरे ख्याल से आ रही है गजल की एल्बम, बाकी तो चीजें आती रहती हैं। ये जो गजल एल्बम का लॉन्च करने का मैंने प्लान जो बनाया, जो लॉकडाउन के सिलसिले में सारे काम फिल्म इंडस्ट्री के बंद थे, सब चीज बंद थी, तो उसका फायदा उठाते हुए मैंने स्टार मेकर ऐप पे एक दादाजा फाल्के का रूम हमने बनाए और हमारी टीम ने ये डिसाइड किया कि जो स्ट्रगलर्स लोग हैं, जो सिंगिंग के लिए स्ट्रगल करते हैं, मौके की तलाश में घूमते रहते हैं डोर टू डोर और फिर भी उनको सक्सेस होने पाते हैं, तो इसलिए मैंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किया ताकि ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी लोग हो, उन्हें अपने घर छोड़ के कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर में बैठ के तुम इस रूम में आ सकते हो, ऑनलाइन दादाजा फाल्के फाउंडेशन के रूम में आके तुम वहाँ अपना परफॉर्मेंस दिखाओ, गाइए, और गाने के बाद अगर जो डिजर्विंग लगते हैं कि अच्छे सिंगर्स हैं, अच्छी चीज़ें, इनको ब्रेक मिलना चाहिए, उनसे हम कांटेक्ट करते, कांटेक्ट करने के बाद में उन लोगों को मैंने ऐसे 10 लोगों को हमारी टीम ने चुना, हमारी टीम में अली गनी साहब हैं, फिर अमजद बगाड़वा ये है, फिर बहुत सारे लोग हैं, तो उन लोगों ने इस अच्छे अच्छे सिंगर्स को चुना कि वॉइस अच्छी है, गाते अच्छे हैं, सारे चीज़ें, तो ऑल ओवर इंडिया से हमने 10 लोगों को सेलेक्ट किया और वो 10 लोगों को हमने उन्हीं के घर पे, कोई कंडीशन नहीं कि आपको मुंबई आना पड़ेगा, हमने अगर कोई कलकत्ता का है तो कलकत्ता में उसे स्टूडियो बुक कर दिए, ऑनलाइन हमने स्टूडियो से कॉन्टेक्ट कर दिया, उनको ट्रैक भेजा गया और इनको लिरिक्स वगैरह देके ट्रेन किया गया, और ऑनलाइन ही किसी सिंगर से हमारी मुलाकात नहीं कुछ नहीं, सिर्फ ऑनलाइन फ़ोन पे हमने उसे प्लेबैक करवा दिया और वहाँ से उनकी वॉइस हमारे पास आई, तो यहाँ लाके हमारे पास अच्छे अच्छे साउंड रिकॉर्डिस्ट बड़े थे विजय नायर, इनसे हमने उसकी मिक्सिंग करवाई, कुछ सिंगर्स तो थे जैसे वसुधा जी है, एक मासूम रजा है और दो तीन लोग बॉम्बे आ गए थे, उन्होंने बॉम्बे में एबी स्टूडियो में गाना गाया, गवाया उनसे मैंने गजल, इस तरह से करके पूरा साल भर का समय जाने के बाद हमको 10 गाने की ये तिनका तिनका सॉरी 9 गाने 9 सॉन्ग की ये तिनका तिनका एल्बम है ये कम्प्लीट होगी और इसमें इंडिया के अलग अलग कोने से लोगों ने गाया है। आज मेरे साथ में यहाँ है वसुधा जी जो बड़ौदा से है लेकिन न्यूजीलैंड में सेट है, तो उन्होंने वहीं से न्यूजीलैंड से उसे रूम ज्वाइन किया था और उनकी आवाज़ को कमेटी ने फाइनल करके उन्हें गीत दिया था जो इसका टाइटल सॉन्ग है तिनका तिनका, तो इन्होंने हमारे इसमें दो गज़ल गाए हुए हैं तिनका तिनका और इसके आगे दौलत क्या है। इस एल्बम में सारे जो लिरिक्स राइटर्स है वो जाने माने हैं, सुदर्शन फ़ाकिर, रफ़ी सालम, मुमताज राशिद, फिर हस्ती में हस्ती साहब और दो गज़ल मेरे लिखे हुए हैं, अनजान सागरी साहब ने भी उसमें लिखा हुआ है, तो बहुत बढ़िया और अच्छी एल्बम बनी हुई है। मैं चाहता हूँ कि इस एल्बम के ज़रिए 8-9 लोगों को इंडस्ट्री में ब्रेक मिल जाएंगे और आगे इनका कैरियर शुरू हो जाएगा, जो हमारा मकसद है दादाजा फाल्के फाउंडेशन का, कि स्ट्रगल करते हुए किसी को तकलीफ होती है तो उसको हेल्प की जाए और आगे बढ़ाया जाए। तो ये लॉकडाउन के समय में हम जब शो नहीं कर सके तो ऑनलाइन एक प्रोग्राम करके ये काम हमारा मकसद पूरा किया। वसुधा जी आप बताएं, आप बैंकर रही हैं, किस तरह से गजल गायकी का आपने शौक किया? सर मैं जब छोटी थी तब से एक पैशन था कि मुझे प्लेबैक सिंगर बनना है एंड दैट पैशन ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस फैमिली वो सब तो नहीं बन पाई थी, बट फिर जब हमें ये पता चला और स्टार मेकर कराओके ऐप है जिसमें हम लोग गाना गाने जाते थे, फिर अशफाक सर जो दादा साहब फाल्के फिल्म फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं उन्होंने अपना एक पार्टी रूम ओपन किया हुआ था, वहाँ हमें इनवाइट किया गया, देन हम लोग सिंगिंग करते थे, फिर सर और उनकी टीम ने सब ने मिल के जो जो हम डिजर्विंग थे हमको सिलेक्ट किया गया, फिर हमें बताया गया कि रिकॉर्डिंग, तो सबको अपने अपने जिसको जैसे कन्वीनियंट था अपने अपने होम टाउन में करवाया। मैं खुद रिकॉर्डिंग के लिए यहाँ मुंबई आई हुई थी एंड ये एल्बम मेरे लिए इतना अहम है कि इट इज़ लाइक अ ड्रीम कम ट्रू बिकॉज इट वॉज अ पैशन सिंस ईयर्स टुगेदर और आज मैं ये पूरा कर पाई हूँ। और मुझे इस एल्बम के जरिए 2 गजल्स गाने को मिली है, पहली एल्बम का टाइटल गजल उसका नाम है तिनका तिनका और टाइटल गजल ही मुझे मिली है तिनका तिनका और ये इनके लिरिक्स अशफाक सर ने खुद लिखे हुए हैं। और दूसरी गजल मुझे मिली है इश्क के आगे दौलत क्या चीज़ है, जिनके शायर है सुदर्शन फ़ाकीर जी। तो इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ जब आज हमें ये इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे प्लेबैक सिंगिंग का मौका मिला है तो बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ। और
पूरे अल्बम का जो है वो अली गनी साहब ने, पंकज उदास फेम ने, उन्होंने म्यूजिक दिया हुआ है इस अल्बम में. सो आई एम वेरी ब्लेस्ड एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हमें ये, और यहाँ के एमिनेंट बिल्कुल साउंड इंजीनियर साहब है उनके, बिजू नायर साहब, उनके द्वारा हमारे गानों का मिक्सिंग हुआ है. एंड ये हमारा अल्बम 3 तारीख को रिलीज वेब मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रिलीज हो गया है. सो उसकी बेहद खुशी है एंड जस्ट सक्सेस हो. एंड फिर उन्होंने अनाउंस किया था कि अच्छे वीडियो भी बनाए जाएंगे, तो आई एम फॉर्चुनेट इनाफ कि मेरी दोनों गजल के वीडियो का शूट अभी परसों ही पूरा हुआ. तिनका तिलका एल्बम का वीडियो शूटिंग हुआ और इश्क प्यार के मोहब्बत की अच्छी से उसका भी वीडियो शूटिंग हुआ. तो वीडियो कब तक आएंगे साहब जी? अभी इसका 1 महीने के अंदर वीडियो निकालने का प्लान है. इसमें एक जैसा कि मौका हमने इसमें सिंगरों को दिया, अब कुछ आर्टिस्ट लोग, स्ट्रगल्स आर्टिस्ट है, कोई लोग हैं, उन लोगों को ढूंढ के उनको मौका दिया जाएगा ये सोशल मीडिया के माध्यम से, और उन्हें भी एक तरह से लॉन्चिंग हो जाएंगी. वो जैसे स्ट्रगल आर्टिस्ट है, सिंगर्स हो गए, या कोई और भी किसी को शौक है, इसमें हम उनका उम्मीद पूरी कर सकते, तो हम इस एल्बम के जरिए उन्हें छोटा सा एक मौका देके इंडस्ट्री में उनकी ओपनिंग कराएंगे, लॉन्च करा देंगे उन लोगों को. जैसा आर्टिस्ट है या कोई असिस्टेंट डायरेक्टर्स है या कोई मेकअप मैन है या कोई भी है जो आना चाहे, तो इसके जरिए से हम उसको एक प्लेटफॉर्म दिला सकते हैं, जिसका दादाजा फाल्के फाउंडेशन बगैर एक पैसा किसी से लिए, किसी से कुछ चार्ज नहीं किया जाता है, सिर्फ आप स्टूडियो तक आए और गा के चले जाओ, और इसका सारा खर्चा बेहद दादाजा फाल्के फाउंडेशन ने किया है. आगे क्या प्लान है आपका फाउंडेशन का जो है? अभी आगे तो हर साल अवार्ड होते थे, इस साल अभी कोरोना की वजह से दादाजा फाल्के के जनरल सेक्रेटरी हमारे भाई साहब थे डॉक्टर अब्दुल रहमान, उनको इंतकाल हो गया, तो एक तो कोरोना की वजह से और उनकी वजह से 3 साल का प्रोग्राम होने पाया है, और इस साल अभी डेट फाइनल हुई है, तो अभी अप्रैल में ही करना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बहुत बड़े प्लेटफॉर्म का है, और अभी वो 3 साल अगर हमारे प्रोग्राम नहीं हुए तो इसका लोगों ने थोड़ा थोड़ा, कोई गलत लोगों ने वो नाम को इस्तेमाल करते हुए उसका माहौल ख़राब कर दिया, लेकिन वो जब हमारा अवार्ड फंक्शन आ जाएगा तब वो लोगों को पता चलेगा कि क्या चीज़ है. तो अभी इसका ऑडियो रिलीज कर दिया है आपने ऑनलाइन? अभी 3 तारीख को हमने ऑडियो ऑल ओवर वर्ल्ड में रिलीज किया, 3 तारीख को डिजी दे गया, 12 तारीख को उसके सारे लिंक्स सब जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और नेक्स्ट मंथ में मोस्टली वीडियोस का रिलीज करेंगे.